সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। नमस्कार, मैं प्रियंका तिब्रेवाल। देखिए, आज हमारी एक पब्लिक मीटिंग होनी है चेतला में गुप्ता ब्रदर्स के पास। इलेक्शन कमीशन से हमने पूरी परमिशन ले रखी है और हमारे पास पूरी परमिशन है उस पब्लिक मीटिंग को करने की, वो भी लाउड स्पीकर्स लगा के यूज करके इस्तेमाल करके। उसके बावजूद वहाँ बॉबी हकीम और उनके गुंडे आ रहे हैं और वो माइक्स नहीं लगवाने दे रहे। पुलिस को स्पेशली बोल दिया गया है कि यहाँ पर ज्यादा माइक व्यवहार नहीं किया जा सकता है। जब मैंने उसी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरा आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑर्डर्स हैं कि यहाँ पर इतने माइक नहीं लगाने दिए जाएंगे। मैं ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि परमिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन देती है और दोनों ही जो भी कैंडिडेट्स हैं सबके लिए इक्वल परमिशन होनी चाहिए, तो क्यों हमें माइक नहीं लगाने दिए जाएंगे जबकि वे कहते हैं कि 5 चोंग से ज्यादा हम नहीं लगा सकते। अगर आप कोई भी शेक्सपियर सरणी रहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन के बाहर जाइए, वहां एक मंच बंधा है जहां आज शाम को मुख्यमंत्री अपना भाषण देंगे, और गिन के फोटो डालिए फेसबुक में कि कितने माइक लगे हुए हैं और कितने चोंग लगे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की सारी परमिशन जो है वो हमें लेनी पड़ेगी, सारे नियम कायदे कानून पुलिस हमें दिखा रही है और मुख्यमंत्री के लिए कोई भी नियम कानून कायदे टीएमसी के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात आज फिर एक बार मैं आपके सामने दोहराती हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो है वो पुलिस का जो राज चल रहा है और शासन जो चल रहा है तृणमूल का, ये दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और ये पुलिस जो है ये इनकी दलदास होकर के काम कर रही है। सिर्फ सरकार के लिए काम करती है पुलिस, यहाँ के सिटीजन्स के लिए या यहाँ के लोगों के लिए पुलिस का कोई योगदान नहीं। शायद यही रीजन है कि लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन है, बिकॉज पूरे एग्जीक्यूटिव को तृणमूल कांग्रेस चला रही है। डेमोक्रेसी का ये अपमान हमने बार बार देखा है। मैं सिर्फ इस बात को आपके सामने ला करके दिखाना चाहती थी कि कल तक जिसे ये बच्ची कह रहे थे कि मेरा लड़ना कोई फैक्टर ही नहीं है, तो फिर आप क्यों मुझे माइक्स नहीं लगाने दे रहे? क्यों आपको हमारी पब्लिक मीटिंग से डर लग रहा है? क्यों आप हर तरफ हमें अटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों मेरे पोस्टर्स फाड़ रहे हैं? क्यों मेरे होर्डिंग सारे हटा दिए गए एल्गिन रोड से? सारी बातों का जवाब तो दीजिए। वो भी कौन? 2 बार की मुख्यमंत्री। अगर आपने जनता के लिए काम किया है तो जनता आपको जवाब देगी। देखिए, मैं इस चीज से एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो अभी चल रहा है ना, ये तो इलेक्शन से पहले ये सारी रूप जो है तृणमूल कांग्रेस के वो आपके सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है ये पुलिस और ये सरकार निष्पक्ष इलेक्शन होने देगी? क्या ये वोट्स रिग नहीं करेंगे? क्या ये एक ही इंसान से 10 बार वोट नहीं डलाएंगे? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप नीचे उतरिए, क्योंकि आपका वोट देने से कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन अगर आप घर बैठे रह गए तो आपके सारे वोट जो है ये लोग एक तरफा छप्पा वोटिंग करेंगे मुझे हराने के लिए। ये पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है इलेक्शन, ये मेरे एमएलए होने का इलेक्शन नहीं है। मैं फिर कहती हूँ, इस गुंडागर्दी से आप लोगों को बचाना और आपकी आवाज बंद करके सही तरह से लड़ने के लिए प्लीज 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 30 तारीख को सुबह वोट देने जरूर से उतरिए। 2 नंबर बटन कमल फूल जरूर आइए, आपका इंतजार रहेगा। याद रखिए, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच अपने वोट डाल दीजिए ताकि ये चाहते हुए भी कोई भी तरह की छप्पा वोटिंग नहीं कर सके। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और एक चीज और कहूंगी, आप लोगों में से जो भी भवानीपुर में रहते हैं और आपके किसी भी 10 रिश्तेदार को ये वीडियो जरूर वायरल करके भेजिए, फॉरवर्ड करिए। धन्यवाद।